हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज है मंगलवार, तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही मैं। तो इधर मेरी चाय बन रही है और मैंने इधर घी पकाने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा दिन का घी हो जाता है तो वो अजीब सा उसका कलर हो जाता है। तो इसलिए मैं एक हफ्ते में ही जो एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी होती है उसी का घी निकाल लेती हूँ, तो घी भी अच्छा निकलता है। और ये देखिए मेरे घी का कलर, इससे पहले जो मैंने निकाला था उसका कलर ही चेंज हो गया था। यहाँ पे धुल रही हूँ मैं कपड़े, और ये जो वाइट कपड़े हैं इसको मैंने बाल्टी में भिगो रखा है, क्योंकि वाइट कपड़े या लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से ही धुलती हूँ, वरना मशीन से धुलो तो उसमें रैशे लग जाते हैं। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि एक कपड़े से कलर छूट के दूसरे कपड़े में लग गया, मेरे बहुत कपड़े मैंने बर्बाद कर दिए। तो ये मैंने कपड़े भिगोए हैं, इनको धुलना है अभी हाथों से। मैं बनाने जा रही हूँ लंच में बेसन की सब्जी और उसके साथ राइस। तो यहाँ पे मैंने बेसन का घोल बना लिया और इसकी मुझे लपेट के अभी कतली बनानी है। और यहाँ पे मैंने काटा है दो बड़े प्याज और टमाटर और जिंजर गार्लिक लिया, और इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करूँगी। मैंने कोई भी मसाला पीसा नहीं है, क्योंकि पीसने के बाद क्या होता है वो टेस्ट नहीं आता जितना आप काट के डालोगे। तो चलिए पहले बेसन की सब्जी बनाते हैं। मैंने बेसन के चीले बना लिए हैं, अब इसे ठंडा होने पर छोटे छोटे पीस में कतली की तरह काट दूंगी। फिर इसकी सब्जी बनानी है मुझे। इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और अब मैं पहले मसाले को फ्राई करूंगी। प्याज वगैरह मैंने ऑयल डाला है, ऑयल में थोड़ा सा जीरा और मैंने हींग डाला है। इसके बाद गार्लिक पेस्ट डालूंगी थोड़ा सा। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए है कटे हुए प्याज, और इस प्याज को तब तक मुझे भूनना है जब तक ये रेड ना हो जाए। और ये जो टमाटर कटे हुए रखे थे उसी में मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके बाद जब प्याज भून जाएंगे उसके बाद मैं इस टमाटर को उसमें ऐड कर दूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। अब इसे थोड़ी देर गलने के लिए मैं ढक दूंगी। इधर मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और टमाटर भी गल गए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, फिर जो कतली बनाई थी बेसन की वो इसमें डाल दूंगी। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ सीपी हनुमान मंदिर। आज है मंगलवार और वहीं पे बगल में है बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो आजकल हम लोग बहुत घूम रहे हैं क्योंकि भगवान का बहुत बुलावा आ रहा है, मंदिर वंदिर तो बहुत ही जा रहे हैं, अचानक प्रोग्राम बन जाता है। तो चलिए आज आप लोगों को सीपी की सैर कराएंगे और बंगला साहिब की कराएंगे। हम लोग सीपी पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं पहले हनुमान मंदिर, पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद बंगला साहिब जाना है हमें। टूरिस्ट बन गए हो, है ना, बस घूम ही रहे। तू कहाँ है, आ गया? तो ये देखिए पीछे हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, और हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। और आप सभी लोग बोलिए जय श्री राम, और तू भी बोल जय श्री राम। और यहाँ पे जो मंदिर है हनुमान मंदिर, वहाँ का आप क्राउड देखिए कितनी भीड़ है आज, क्योंकि जैसा कि पता ही है केजरीवाल आ रहे हैं। हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पे केजरीवाल आ रहे हैं, वो जीत गए हैं, तो इसलिए पब्लिक भी यहाँ बहुत सारी आई, मीडिया भी बहुत है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से मिल गए हम सभी को, और हम लोग का भी अचानक बना, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी कि हमें सीपी आना है, बस बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया, चलो चलते हैं दर्शन करने बंगला साहिब चलते हैं। और ये देखिए मीडिया वाले, बहुत मीडिया वाले थे यहाँ पे, सब बहुत ज़्यादा सारी मीडिया आ गई थी यहाँ पे। तो और मैंने मीडिया वालों से एक दो लोगों से बात भी की, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मैंने बात करी थी।
केजरीवाल चले भी गए इतनी जल्दी। अभी केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे और दर्शन करके अभी अभी जस्ट गए हैं। आप लोग किस चैनल से हो? हम लोग इंडिया टीम से। ओके, तो खुश हो आप लोग? लोग जीते हैं तो अरे हम तो अपने काम से खुश रहते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि केंद्र तक पहुँच जाएंगे। चलिए थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। हम लोग अब हनुमान मंदिर से बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं और हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ थी क्योंकि आज केजरीवाल आने वाले हैं, तो काफ़ी रिपोर्टर थे वहां पे। और केजरीवाल क्योंकि जीत गए हैं इसीलिए कि जीत की खुशी में वहां दर्शन करने आ रहे हैं, तो अब हम बंगला साहिब के दर्शन करते हैं। चलिए आपको गुरुद्वारा घुमाते हैं। हमने अपने सर पे रुमाल बांध रखा है क्योंकि गुरुद्वारे में बिना सिर ढके और रुमाल बांधे एंट्री नहीं होने देते और ना ही दर्शन करने देते हैं। तो चलते हैं। ये जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति यहाँ पे लगती है। अगर आप जाके यहाँ पे आधे एक घंटे बैठोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आती है। हम लोग भी यहाँ पे गए थे, थोड़ी देर बैठे हुए थे, लेकिन अंदर जो गुरुद्वारे के अंदर है वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, तो इसलिए हमने बाहर की ही वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लगा। सरोवर के पास भी हम लोग बैठे थे। ये जो सरोवर आपको दिख रहा है ये, इसमें बहुत सारी मछलियाँ थी ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर की, तो हम लोग सोचे कि लाओ इसे पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा था, मना कर दिया कि नहीं पैर उसमें नहीं डालने हैं पानी में, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लग गया है, पहले बोर्ड नहीं लगा था, तो बस हमने पानी के छींटे ही अपने ऊपर डाले, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, मछलियाँ देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग जो मैंने आपको पूरा दिखाया, जो मैंने किया आज पूरे दिन। तो इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ और कल फिर नए रूटीन के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो कल तक के लिए बाय बाय।